तो यहाँ पे अपन को प्रॉब्लम दिख गया, टेन दे रखा है अपन को 0 to π/2 तक इस चीज का इंटीग्रेशन, तो अपन को इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो बताना है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, सो अगर मैं यहाँ पे साइन का ग्राफ बनाऊं 0 to π/2 में, सो यहाँ पर ही अपना 0.0 आता है और इधर अपना आएगा π/2,1। सो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं, सो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2θ/π। इसकी इक्वेशन को अगर मैं इस चीज को यहाँ पे थीटा मान लूं और इधर ही अपनी वाई एक्सिस है, और तो फिर यहाँ पे ये इस लाइन की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू थीटा हो जाएगी। सो तुम्हें ये पता ही होगा इस तरीके से। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो साइन थीटा है वो यहाँ पर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, जब थीटा की वैल्यू 0 to π/2 के बीच में है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सो यहाँ पर अगर अपन देखें जो इंटीग्रल है 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये अपन को कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर ये लेस देन होगा 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ थीटा डी थीटा, और इधर ये ग्रेटर देन होगा 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ 2θ/π/dθ। सो यहाँ पर अगर अपन इसको इवेल्युएट करें, सो तुम चेक करना, तो ये m यहाँ पर तुम्हें पास लेस देन आएगा π/3/2 एंड यहाँ पर तुम्हारे पास 3√2 आएगा, और यहाँ पर इस इंटीग्रल को तुम इवेल्युएट करोगे तो सिंपली इसकी वैल्यू यहाँ पे π/3 आ जाएगी। सो अपना ऑप्शन अगर अपन चेक करें, सो कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, m यहाँ पर ग्रेटर देन π/3 होगा ये सही है, π/4 होगा ये भी सही है, लेस देन दिस होगा ये भी सही है, और लेस देन 2π/3 होगा ये भी सही है। तो ये चार ऑप्शन ही सही है, तो ABCD इसका आंसर।